हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है देहरादून स्टडी पॉइंट पे। तो जुड़ जाए दोस्तों आप सभी, मैं हूं मोहित सिंह रावत। तो यहां पे दोस्तों ये है हमारी उत्तराखंड जीके की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास। दोस्तों इसलिए हम यहां पे कहते हैं क्योंकि इस क्लास को बनाने में हमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और बहुत ही सेलेक्टेड और सबसे बेस्ट क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे रखते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अजय रावत सर की बुक को कंप्लीट कराते हैं, बी एस नेगी सर की बुक को कंप्लीट कराते हैं और पुराने जो पेपर हैं, प्रश्न संग्रह है, इसे भी हम यहाँ पे डिटेल के साथ डिस्कस कराते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्लास को बनाने में जो हमें लगभग समय लगता है वो कम से कम 4.5 घंटे से लेकर 5 घंटे का समय इस क्लास को बनाने में हमें लगता है। तो कंटेंट दोस्तों हम बढ़िया रखते हैं, ऐसा कंटेंट जो आपको पूछा जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, यहां पे डे 16 है, 16वीं क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए यहां पे क्लास होने वाली है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों अपने पहले क्वेश्चन से और यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं डॉक्टर अजय रावत सर की बुक से। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों यहां पे और इसका आंसर दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सिखों द्वारा गढ़वाल पर 2 बार आक्रमण किया गया, 1775 और 1778। तो इन 2 साल में यानी 1775 में और 1778 में सिखों ने गढ़वाल पर 2 बार आक्रमण किया, तो यह किस पवार शासक के काल में किया, इसका आपको आंसर बताना है। जयकृत शाह, फतेह शाह, ललित शाह या फिर प्रद्युम्न शाह। तो बताइए दोस्तों क्या है इसका सही आंसर, राइट आंसर क्या है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है ललित शाह। ललित शाह के काल में सिखों ने 2 बार आक्रमण किया था। कंफ्यूज मत होना दोस्तों जयकृत शाह से, जयकृत शाह ने सिखों को राखी कर देना स्वीकार किया था। तो पूछा जाएगा कि 1775 और 1778 में गढ़वाल पर सिखों ने 2 बार आक्रमण किसके काल में किया, ललित शाह के काल में किया। अब जरा देखिए दोस्तों, ललित शाह से इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या बनते हैं। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट यहां से यह बनेगा कि ललित शाह ऐसा शासक हुआ जिसकी मलेरिया के कारण मृत्यु हुई। मलेरिया के कारण मृत्यु किसकी हुई, इसी की हुई, ललित शाह की। सिखों द्वारा 2 बार आक्रमण इसी के काल में किया गया, 1775 में और 1778 में। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों यहाँ पे कि बगवाली पोखर का युद्ध, देखिए ललित शाह और मोहन चंद के बीच में बगवाली पोखर का युद्ध हुआ था जो 1779 ईस्वी में हुआ था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ललित शाह के संदर्भ में और यही यहां से पूछे जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका आंसर दीजिए कि किस पवार शासक की मृत्यु उसकी 4 रानियां भी सती हुई थी। तो किस पवार शासक की मृत्यु पर उसकी 4 रानियां भी सती हुई थी, इसका आंसर दोस्तों आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, ललित शाह, श्याम शाह, जयकृत शाह या फिर महीपत शाह। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा, किस पवार शासक की मृत्यु होने पर उसकी 4 रानियां भी सती हुई थी। तो देखिए दोस्तों, अगर आप श्याम शाह के साथ जा रहे हैं तो यह तो गलत है क्योंकि श्याम शाह के साथ उसकी 60 रानियां सती हुई थी, ना कि 4। तो इसका सही आंसर आपको मिलेगा दोस्तों जयकृत शाह और यह बिल्कुल सही है। रघुनाथ मंदिर में इसने अंतिम समय लिया था और वहीं इसकी मृत्यु हुई थी और वहीं पर इसकी जो 4 रानियां थी वह भी उसके साथ सती हो गई थी। तो देखिए दोस्तों यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जयकृत शाह के संदर्भ में। अब देखिए दोस्तों यहां पे कि सिख आक्रमण से बचने के लिए जयकृत शाह ने राखी नामक कर सिखों को देना स्वीकार किया था। तो पूछा जाएगा दोस्तों और पूछा भी गया है कि राखी नामक कर किस पवार शासक ने देना स्वीकार किया था, तो वह किया था किसने, जयकृत शाह ने किया था और यह कृषि उपज का लगभग 1/5 भाग होता था। फिर दरबारी षड्यंत्र से यह परेशान हो गया था और दरबारी षड्यंत्र से परेशान होने के बाद यह कहां चला जाता है, लास्ट में यह चला जाता है देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में और वहीं पर इसकी मृत्यु होती है और उसकी जो 4 रानियां हैं वह भी यहां पे क्या हो जाती है, सती होती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी सी, जयकृत शाह। अब है क्वेश्चन नंबर 3 और इसका आंसर दीजिए। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, पाली गांव का युद्ध हर्षदेव जोशी और मोहन चंद के मध्य हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जरा बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, पाली गांव का जो युद्ध हुआ था हर्षदेव जोशी और मोहन चंद के बीच में यह कब हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो बताइए दोस्तों कब हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो बताइए। तो जी हाँ दोस्तों, यह हुआ था 1786 में। तो देखिए हर्षदेव जोशी के बीच में हुआ था और मोहन चंद के बीच में हुआ था, मोहन चंद और हर्षदेव जोशी के बीच में
पाली गांव का युद्ध 1786 ईस्वी में हुआ था और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। अब देखिए यहां पे अगले क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है यहां पे कि गढ़ गीता संग्राम या फिर हम बोले गढ़ी का नाटक, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो बताइए दोस्तों, वैसे तो प्रश्न सरल है लेकिन हमने यहां पे रखा है क्योंकि हमें आपको और भी फैक्ट कराने हैं, तो बताइए जरा। और हां दोस्तों, आप सभी इसका सही आंसर दे रहे हैं और मौला राम इसका बिल्कुल सही आंसर है, मौला राम इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब यहां पे देखिए दोस्तों, तो देखिए यहां पे मौला राम हो गया और मौला राम से जितने भी प्रश्न बनते हैं दोस्तों वो यहां पे लिखे हैं। देखिए जन्म की बात करें तो 1743 में इसका जन्म हुआ था, यानी मौला राम जी का जन्म 1743 में हुआ था, श्रीनगर में हुआ था। पिताजी की बात करें मंगत राम, माता की बात करें तो रमा देवी, और गुरु की बात करें तो राम सिंह या फिर राय सिंह। मूल व्यवसाय स्वर्णकारी था, चेतु माणकु शिष्य थे, और 1833 में क्या हो गया था, निधन भी हो गया था। और मौला राम चित्र संग्रहालय कहां पर है, श्रीनगर में आपको मिलेगा। फिर देखिए दोस्तों, जो गढ़ गीत या गढ़ गीता संग्राम है ये ब्रज भाषा में लिखा गया है, और भी यहाँ पे बहुत सारी रचनाएं आप यहाँ पे देख सकते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, श्रीनगर दुर्दशा, गढ़ राजवंश काव्य है ना, गिरवान युद्ध, विक्रम चंद्रिका, ये सभी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। फिर यहाँ पे कुछ प्रमुख चित्र भी हैं जो मौला राम जी द्वारा बनाए गए हैं, और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मौला राम जी से पूछे जाते हैं वह दोस्तों यहाँ पे ये है कि मौला राम जी ने अपनी रचनाओं में स्वयं के लिए साधु शब्द का यूज किया है कई बार। आनंद कुमार स्वामी, इनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है राजपुत्र लिख दिया यहाँ पे, राजपूत चित्रकला या राजपूत पेंटिंग, तो इनकी ये रचना है आनंद कुमार स्वामी की। और ये इंपॉर्टेंट दोस्तों इसलिए है क्योंकि ये जो बैरिस्टर मुकुंदलाल है ना, उनके भी गुरु थे, और उन्होंने इसमें ये बताया है कि मौला राम को गढ़वाली चित्र शैली का आचार्य, तो मौला राम को गढ़वाली चित्र शैली का आचार्य किसमें कहा है, राजपुत्र पेंटिंग में कहा है, राजपुत पेंटिंग में कहा है। और किसने लिखी है, आनंद कुमार स्वामी जी ने लिखी है। फिर यहां पे देखिए बहुत से स्टूडेंट यहां पे गलत करते हैं, जैसे ये हो गया कि मौला राम ने नेपाल शासक जैसे रणजोर सिंह थापा है इसे दानवीर कर्ण की उपाधि दी थी, और बैरिस्टर मुकुंदलाल ने जो गढ़वाल पेंटिंग्स की रचना की थी वो 1968 में की थी। देखिए दोस्तों, इसकी आपको दो तिथि मिलती है, परीक्षा वाणी देखोगे तो आपको 1969 दिखेगा, लेकिन दोस्तों जो ओरिजिनल बुक है वहां पे जो इसका प्रिंट है वो 1968 है, इसका हमने आपको एक प्रूफ भी दिया था, तो मोस्ट प्रोबली 99% से भी ज्यादा जो इसका सही आंसर होगा इन दोनों में 1968 होगा। लेकिन अगर 1968 ऑप्शन में ना आए तो उस स्थिति में आप 1969 जा सकते हैं, लेकिन 1968 आए तो यही इसका सटीक आंसर भी होगा। तो यहां तक दोस्तों ये हो चुका है, और अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और इसका आंसर आप दीजिए कि गढ़वाल में भयंकर अकाल किस वर्ष पड़ा था। देखिए यही अकाल था जिसे 51-52 भी कहते थे, और आपको इसका वर्ष बताना है कि कौन सा वर्ष था, 1851, 1751, 1795 या फिर 1752। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन से आप कंफ्यूज मत होना क्योंकि 51-52 से, तो बताइए जरा इसका आंसर सही क्या होगा। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, तो जी हाँ दोस्तों ये हुआ था 1795 में, यानी 1795-96 के आसपास यह भयंकर अकाल पड़ा था, और प्रद्युम्न शाह के काल में पड़ा था। तो भयंकर अकाल 1795, और संवत की बात करें तो 1851 है ना, तो इन फैक्ट को ध्यान रख लेना दोस्तों। फिर है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 कि राजपूत पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है, अभी डिस्कस किया था, और जी हाँ दोस्तों आप सभी इसका सही आंसर दे रहे हैं, आनंद कुमार स्वामी, आनंद कुमार स्वामी। अब है देखिए दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 है, और इसका आंसर दीजिए कि गोरखाओं ने अपना प्रतिनिधि गढ़वाल में किस वर्ष भेजा जिससे वह गढ़वाल के आंतरिक क्षेत्रों को हस्तक्षेप कर सके। तो इन्होंने अपना यानी यहाँ पे जब गढ़वाल में क्या हो गया था, एक अराजकता का माहौल फैल गया था, गढ़वाल बहुत कमजोर हो गया था, तो इनके मन में लालच उठा और इन्होंने अपना एक प्रतिनिधि कहाँ पे भेजा, गढ़वाल में भेज दिया कि हमें कुछ हिस्सा दे दो वगैरह है ना, तो ये कब भेजा था, तो इसका आंसर बताइए दोस्तों, ऑप्शन यानी ऑप्शन ए बी सी या फिर डी, 1801, 1791, 1803 या फिर 1790। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, तो जी हाँ दोस्तों इसके सही आंसर की बात करें तो यह मिलेगा आपको 1801 में, कब मिलेगा 1801 में। और 1791 की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों,
1791 में क्या हुआ था, लंगोरगढ़ का युद्ध हुआ था। लंगोरगढ़ का युद्ध यानी गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था। 1790 में जो गोरखा है उन्होंने कुमाऊं पर आक्रमण किया था। 1791 में गढ़वाल पर आक्रमण किया था, जिसे लंगोरगढ़ भी हुआ था, लंगोरगढ़ का युद्ध हुआ था। तो ये क्या था दोस्तों, गढ़वाल ने आंतरिक हस्तक्षेप 1801 में। फिर है क्वेश्चन नंबर 8 और इसका आंसर दीजिए कि रामाधरणी व खंडूरी किसके प्रमुख मंत्री थे। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, तो बताइए। तो जी हाँ दोस्तों इसका सही आंसर बताइए क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए दोस्तों इसका सही आंसर आपको जो मिलेगा वो मिलेगा आपको प्रद्युम्न शाह। तो बिल्कुल इसका प्रद्युम्न शाह सही आंसर है, रामाधरणी खंडूरी प्रद्युम्न शाह के प्रमुख मंत्री थे। अब देखिए दोस्तों यहां पे प्रद्युम्न शाह की बात करते हैं, तो 1786 में ये गद्दी पर बैठा, गढ़वाल की गद्दी पर, है ना। रामा धरणी और खंडूड़ी ये इसके क्या थे, यह इसके क्या थे, प्रमुख मंत्री थे। एग्जाम पॉइंट से देखिए, अभी हमने आपको एक प्रश्न सबसे आगे पूछा था कि पाली गांव का युद्ध 1786 में हुआ था, हर्षदेव जोशी और मोहनचंद के बीच में हुआ था, और हर्षदेव जोशी किसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, प्रद्युम्न शाह का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो पाली गांव का युद्ध 1786, हर्षदेव जोशी और मोहनचंद के बीच में। फिर है यहां पे अगला कि लंगूरगढ़ या फिर भैरवगढ़ का युद्ध 1791 में। फिर यहां पे 1795 यानी संवत की बात करें तो 1851 52 जहां पर भयंकर अकाल पड़ा था, जिसे 51वीं 52वीं के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रद्युम्न शाह से इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है। और 1803 में भयंकर भूकंप आया था, जिसमें अजय पाल का जो राज प्रसाद था, प्रासाद यानी राजभवन, इसी भूकंप में क्या हो गया था, ध्वस्त हो गया था। और लास्ट देखिए दोस्तों यहां पे जो काफी इंपॉर्टेंट है कि 14 मई 1804 को प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हो गए थे खुड़बड़ा के युद्ध में। और गढ़वाल का हुमायूं किसे कहते हैं, प्रद्युम्न शाह को कहते हैं। तो प्रद्युम्न शाह से इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों ये थे, और यही बार बार भी पूछे जाएंगे। तो यहां तक तो यह हो चुका है, अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 पे। और यह क्वेश्चन आपको याद भी है दोस्तों, लंगोरगढ़ का युद्ध कब हुआ था, तो जी हाँ दोस्तों 1791 में हुआ था। और 1790 में क्या हुआ था, कुमाऊं पर आक्रमण किया था गोरखाओं ने, और यहाँ पे आपने देख लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा कि गढ़वाल में भयंकर भूकंप किस वर्ष आया, जिसमें अजय पाल का भवन नष्ट हो गया। तो यही अभी हमने डिस्कस किया था, और इसका आंसर आप सभी जानते हैं दोस्तों 1803 में इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो देखिए दोस्तों अजय राव सर की बुक का ये पार्ट है, ये हमने कंप्लीट कर दिया है। एक या दो क्लासेस और आएगी, फिर उसके बाद हम जो टिहरी नरेश है उस पर आ जाएंगे, और फिर हम गोरखा शासन कंप्लीट करेंगे। तो अब बात करते हैं यहाँ पे बीएस नेगी सर की बुक से, और क्वेश्चन नंबर 11 आपको पूछा है। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, पूछा है कि सही सुमेलित नहीं है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम 1960, ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन की बात करें 1956, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान IIRS 1966, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी 1938। तो बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो बताइए बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, तो जी हाँ दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह आपको मिलेगा 1938 यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी। देखिए दोस्तों एक चीज और एक फैक्ट जरूर याद कीजिए, 1938 में राष्ट्रीय जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी है इसकी स्थापना नहीं हुई थी, इसकी स्थापना दोस्तों 1987 में हुई थी। कब हुई थी, 1987 में। और एक फैक्ट दोस्तों यहां रखना कि जो 1938 में है, 1938 में हुई थी इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज, इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज। तो पूछा जाएगा कि इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, 1938 में हुई थी, और यही कॉलेज बाद में अपग्रेड होकर 1987 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी बना था। तो अकादमी की स्थापना 1987 में, और इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज की बात करें तो इसकी स्थापना की बात करें तो 1938 में, और बाकी सब यहाँ पे सही है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, इसकी स्थापना अगर आप देखोगे तो सितंबर 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। तो इस फैक्ट को जरूर याद करना। और यहाँ पे देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की आप बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 12 है, और पूछा गया है उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण की स्थापना
किस वर्ष हुई थी। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। और उससे पहले दोस्तों आप सभी के लिए यहां पे हमने टोटल 30 क्वेश्चन रखे हैं और इन 30 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए हैं यह आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बाद में वीडियो खत्म होने के बाद जरूर बताना है। तो जरूर बताइए दोस्तों अपने आंसर आपके कितने सही हुए जरूर शेयर कीजिए और कौन सा गलत हुआ तो हो सके वह भी शेयर करें। तो क्वेश्चन नंबर 12 तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा कि उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण की स्थापना। अब कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे 2004 है ही नहीं, तो जी हाँ दोस्तों यहाँ पे नहीं है। अब बताइए इसकी स्थापना कब हुई। तो जी हाँ दोस्तों इसकी स्थापना की बात करें तो मार्च 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? मार्च 2001 में, 28 मार्च 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। अभी डिटेल डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का गठन। तो यह तो सबसे सरल क्वेश्चन है और आप सभी दोस्तों जानते हैं कि सितंबर 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। और उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की बात करें तो यह हुआ था, बताइए जरा, तो जी हां दोस्तों 2015 में हुआ था, अप्रैल 2015 में। अब यहां पे देखिए दोस्तों और इसे जरा डिटेल से पढ़ना। तो देखिए दोस्तों अभी हम ये यहां पे उत्तराखंड पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल जो उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण जो आयोग है उसकी अभी हम वेबसाइट पे हैं और यहां पे आप देखोगे कि उत्तराखंड स्टेट पब्लिक सर्विस जो ट्रिब्यूनल है इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना अगर आप देखोगे दोस्तों एस्टेब्लिश्ड ऑन 28 मार्च 2001, ठीक है, लेकिन इसकी एक परमानेंट बेस बनी थी जो 2004 में सितंबर में नैनीताल में एस्टेब्लिश हुई थी। तो बहुत से इसे यही मानते हैं, तो लेकिन सबसे पहले इसकी स्थापना 2001 में हो चुकी थी और यही इसका सबसे परफेक्ट आंसर भी होगा। फिर परमानेंट बेस की बात करें तो नैनीताल में हुई थी 2004 में, और फिर बाद में 2013 में यानी दिसंबर 2013 में इसका हेडक्वार्टर नैनीताल से कहां लाया गया है, देहरादून लाया गया है। तो आप दोस्तों इस पेज को डिटेल से पढ़ लेना, काफी इंपॉर्टेंट है और यहां से एक फैक्ट आपको पूछा जा सकता है। और वर्तमान में आपको पूछा जाए कि इसके वर्तमान में हेड कौन है, चेयरमैन कौन है, तो चेयरमैन कौन है दोस्तों, चेयरमैन की बात करें दोस्तों तो उनका नाम है यू सी ध्यानी कौन है वर्तमान में जो लोक सेवा आयोग जो अधिकरण वाला है, यानी आयोग नहीं अधिकरण है, वो क्या है इसका, यानी क्या है इसके चेयरमैन कौन है, यू सी ध्यानी जी हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आपको आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहां तक ये हो गया है। अब यहां पे देखिए ये है उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, और इसकी स्थापना आप देखो तो ये हुआ था 6 अप्रैल 2015 को। कब हुआ था? 6 अप्रैल 2015 को उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की स्थापना अप्रैल 2015 को हुआ था। और यूकेएसएससी के बारे में तो सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं दोस्तों कि 17 सितंबर 2014 को ये क्या हुआ था, यानी ये फोर्स में आया था। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जैसे बात करें कि अध्यक्ष आप सभी जानते हैं एस राजू हैं और सचिव की बात करें तो संतोष बड़ोनी जी हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है और इसका आंसर दीजिए कि देहरादून में आरबीआई की एक शाखा खोली गई, तो कब खोली गई बताइए जरा दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों यह खोली गई थी, बताइए जरा, 2006 में खोली गई थी, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है ये बिल्कुल सही है। और इसकी बात करें तो कब खोली गई थी, 30 जून को खोली गई थी। कब? 30 जून 2006 को खोली गई थी। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए जरा कि उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो देखिए अगस्त 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। क्या सही है दोस्तों, बताइए जरा, अगस्त 2002, जून 2002, या फिर अगस्त 2001, या फिर जून 2001। तो जी हाँ दोस्तों अगस्त 2002 इसका सही आंसर है। और देहरादून रेलवे स्टेशन की बात करें, यहां पे दोस्तों गलत लिख दिया हमने, देहरादून रेलवे स्टेशन कर दीजिए, यहां पे देहरादून रेलवे स्टेशन, ठीक है। अब है देहरादून रेलवे स्टेशन को आईएसओ का दर्जा कब दिया गया, तो बताइए दोस्तों कब दिया गया। और यह प्रश्न दोस्तों यूकेएसएससी ने अभी हाल ही में आपको पूछा था, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बताइए जरा क्या है इसका सही आंसर, तो जी हाँ दोस्तों इसका आंसर आपको मिलेगा 2003, और यह इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए दोस्तों यहां पे जरा परिवहन की बात करते हैं देहरादून में, तो यहां पे देखिए सबसे पहले कि देहरादून में जो जोलीग्रांट एयरपोर्ट है ना, जोलीग्रांट में जो है इसका वर्तमान नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर है, 2018 में इसका नामकरण किया गया था, यहां पर ये फेवर हो गया। अब देखिए देहरादून रेल मार्ग की बात करते हैं, सबसे पहला फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट और यह दोस्तों यहां पर यह है कि देहरादून रेल मार्ग को जोड़ा गया वर्ष 1900 को, ठीक है, देहरादून रेल मार्ग से जोड़ा गया वर्ष 1900 को। देहरादून रेलवे स्टेशन को 2003 में
क्या दिया गया था, आईएसओ का दर्जा दिया गया था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, जितने फैक्ट लिखे हैं एक से बढ़कर एक है, पूछा जा सकता है फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में। देहरादून रेलवे स्टेशन को 2003 में आईएसओ का दर्जा, और यहीं पर दोस्तों देहरादून जन शताब्दी की बात करें तो अगले साल 2004 में, ठीक है, नवंबर माह में, जनवरी 2001 में काठगोदाम देहरादून रेलवे शुरू हुई थी, यानी रेलवे सेवा शुरू हुई थी। अगस्त 2002 में बात करें तो देहरादून दिल्ली जन शताब्दी रेल सेवा शुरू हुई थी। 2002 की बात करें तो कोटद्वार दिल्ली गढ़वाल एक्सप्रेस शुरू हुई थी, और नैनीताल जन शताब्दी काठगोदाम की बात करें, जो काठगोदाम से देहरादून, ये अगस्त 2008 में शुरू हुई थी। तो इस फैक्ट को जरूर याद करना। देहरादून सहारनपुर रोड की बात करें तो 1822 में इसे बनाया गया था। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि देहरादून रेल डाक टिकट की बात करें तो वर्ष 2002 में जारी किया गया था, तो देहरादून पर डाक टिकट 2000 में। अब है अगला क्वेश्चन 18, और इसका आंसर दीजिए कि खेल अकादमी की स्थापना देहरादून में किस वर्ष की गई, तो बताइए जरा इसका सही आंसर क्या होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और यह प्रश्न भी यूकेएससी आपको पूछ चुका है, तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर। 2006, 2005, 2004, 2001, तो जी हाँ दोस्तों, इसकी स्थापना 2001 में हुई थी और यह बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19, राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम, तो 2016, 2015, 2014, 2018, 2019, तो बताइए जरा कब की गई थी, तो बताइए बताइए दोस्तों। तो जी हाँ, इसका सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, दिसंबर 2016 में इसका स्थापना की गई थी, यानी लोकार्पण किया गया था। और क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पे कि देहरादून में डीएवी कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो कंफ्यूज तो नहीं होंगे दोस्तों इसमें आप, बताइए जरा। तो जी हाँ दोस्तों, ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी द्वारा किया गया था, आपको इसका बिल्कुल सही मिलेगा। और डीएवी की बात करते हैं, देखिए दोस्तों, डीएवी की बात करते हैं, यानी क्या होता है, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी स्थापना हुई थी जून 1886 में। तो जून 1886 में इसकी स्थापना सबसे पहले लाहौर में हुई थी, कहाँ पे हुई थी, लाहौर में। और देहरादून में जो इसकी शाखा की स्थापना हुई थी वो 1902 में हुई थी, और ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी जी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अब ये बाद में जो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें दोस्तों, कि 1948 में दोस्तों इसे क्या किया गया, इसे पीजी कॉलेज में, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के रूप में स्थापित किया गया, तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और 1974 से इसे गढ़वाल विश्वविद्यालय के साथ कर दिया गया, यानी साथ कर लिया गया, पहले मेरिट के अंतर्गत आता था। तो यहाँ तक दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 हो गया है, और बीएस नेगी वाला पार्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो सचिवालय रक्षा का पेपर हुआ था, पार्ट वन हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, पार्ट टू अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और कोशिश करेंगे कि डिटेल से इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड भी करवाएं। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, और आपको आंसर बताना है इसका कि कौन सा कमिश्नर गढ़वा उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं का राजा के नाम से जाना जाता था। तो क्वेश्चन तो सरल है ना, बहुत सरल क्वेश्चन है, बेताज बादशाह किसे कहते हैं आप सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी, यानी हेनरी रेमजे को कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे हेनरी रेमजे से आपको यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछता हूँ, इसका आंसर आप एक एक करके कमेंट बॉक्स में देना वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो अब देखिए कुछ प्रश्न आपको पूछता हूँ, सबसे पहले कि कमिश्नर कब बना, ये कमिश्नर कब बना, तो कमिश्नर जो हेनरी रेमजे है कब बना, तो बताइए दोस्तों कब से कब तक था, यानी इसका कार्यकाल आपको बताना है, कार्यकाल, ठीक है, तो कार्यकाल कब से कब तक था ये आपको बताना है, जरा बताइए। इसके अलावा एक फैक्ट मैं आपको यहां पे देता हूं, एक है शेरवुड कॉलेज, शेरवुड कॉलेज, अमिताभ बच्चन भी यहां से पास आउट थे, बताइए जरा। तो शेरवुड कॉलेज की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी, है ना। इसके अलावा एक फैक्ट मैं आपको यहां पे देता हूं, तराई इंप्रूवमेंट फंड, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, तराई इंप्रूवमेंट फंड, इसकी स्थापना कब की गई थी। और इसके अलावा दोस्तों एक फैक्ट मैं आपको यहाँ पे देता हूँ जो काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक तो आपने देख लिया है, एक फैक्ट दोस्तों मैं आपको और यहाँ पे देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे एक चीज देता हूँ, जैसे हिल साइट सेफ्टी कमेटी का गठन कब किया गया था, हिल साइट सेफ्टी कमेटी, तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, सेफ्टी कमेटी, ठीक है। तो इन चारों का आंसर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में दीजिए जरा, क्या होगा इसका आंसर बताइए जरा। तो देखिए दोस्तों, इसके आंसर की बात करें तो आप सभी जानते हैं 1856 में इसका कार्यकाल था और 1884 तक रहा था, और यह प्रश्न यूकेएससी आपको पूछ चुका है, अभी यूकेएससी ने आपको यह पूछा था कि हेनरी रेमजे कब कुमाऊं का कमिश्नर बना था, तो 1856 में बना था, कब तक रहा था, 1884 तक रहा था। अब बात करते हैं शेरवुड कॉलेज की, तो देखिए शेरवुड कॉलेज की स्थापना हुई थी 1869 में। देखिए दोस्तों, जो अजय राव सर की बुक है वहां पे थोड़ा गलत प्रिंट हो गया है, उसे बिल्कुल करेक्ट कर लीजिएगा आप, 1869 शेरवुड कॉलेज की स्थापना हुई थी।
तराई इंप्रूवमेंट फंड की बात करें तो 1883 में इसकी स्थापना हुई थी, और हिल साइड सेफ्टी कमेटी की स्थापना की बात करें तो इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो यहां तक ये हो गया, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ये भी ध्यान रख सकते हो हेनरी रैमजे से कि नैनीताल को शिक्षा का हब बनाने का कार्य इसी ने किया था, ये प्रश्न भी यूकेएसएससी ने पूछा है। और तराई क्षेत्र में सर्वाधिक नहरों का विकास भी हेनरी रैमजे ने ही किया था। तो यहां तक ये हो गया। अब है अगला क्वेश्चन कि उत्तराखंड में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण कब दिया गया, तो मार्च 2008 इसका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और हाल ही में 2019 में भी संशोधन हुआ था, संशोधन में क्या प्रावधान किए गए थे दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। चेती गाथाएं संबंधित है, देखिए मायके के प्रति प्रेम से बिल्कुल सही है, सदई भी है, फ्यूली भी है और उपयुक्त सभी है, तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन जो डी है ये बिल्कुल सही होगा। देखिए चेती गाथाएं यानी चेती गाथा की बात करते हैं, जैसे हम गढ़वाल कुमाऊं की बात करते हैं तो एक प्रकार की ये प्रेम की गाथाएं होती है, यानी यहाँ पे दोस्तों जैसे कि हम सदई की बात करते हैं तो सदई एक प्रकार का भाई बहन का प्रेम है, भाई बहन का प्रेम, भाई बहन का एक प्रेम है, बहन अपने भाई को याद करती है जब मायके में रहती है और उसी के प्रेम की ये कहानी है जो सदई है, बहुत अच्छी यहाँ पे लोकगीत है, ये बहुत सुंदर गाथा है। फिर मायके के प्रति प्रेम, फ्यूली भी हो गया, तो ये सभी क्या है चेती गाथा से संबंधित है, यानी चेत के माह से संबंधित है, यानी अप्रैल माह से संबंधित है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं यहां पे अगला क्वेश्चन पे कि 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की थी, तो जी हाँ दोस्तों इसका राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी, और कहां पर की गई थी इसका आंसर आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर देना। गरुड़ शिला की बात करें तो बताइए जरा कहां पे मिलेगी गरुड़ शिला, तो जी हाँ दोस्तों यह आपको मिलेगी ऑप्शन नंबर बी यानी बद्रीनाथ, बिल्कुल सही है। अब देखिए दोस्तों शिला की बात करते हैं तो बद्रीनाथ में आपको पंचशिला मिलेगी, पंच इसके अलावा आपको पंचधारा भी मिलेगी, है ना, पंचशिला पंचधारा वगैरह और भी चीजें मिलती हैं आपको यहाँ पे। तो फिलहाल हम यहाँ पे शिला की बात करते हैं, तो पंचशिला की बात करें दोस्तों तो पहली शिला आपको ध्यान रखनी है, उस शिला का नाम है नारद शिला। क्या है? नारद शिला। इस बार आपको गरुड़ शिला पूछा है, अगली बार आपको नारद शिला पूछेगा। फिर दूसरी शिला आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, उस शिला का नाम है गरुड़ शिला। क्या है? नारद गरुड़ शिला। तो गरुड़ शिला कहां पे मिलेगी? ये आपको मिलेगी बद्रीनाथ में। तो बद्रीनाथ की सभी ये शिलाएं हैं, है ना। फिर इसके अलावा दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो काफी इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है नरसिंह शिला। क्या है? नरसिंह, नरसिंह शिला। तो नरसिंह शिला यानी यहां पे ये हो गया। चौथे की बात करें दोस्तों तो वह आपको मिलेगी मार्कंडेय शिला, मार्कंडेय, मार्कंडेय शिला। तो मार्कंडेय शिला भी आपको मिलेगी। और पांचवी की बात करें दोस्तों तो यह आपको मिलेगी ब्रह्मकपाल, ब्रह्मकपाल शिला। तो यह भी आपको मिलेगी कहां पे? यह मिलेगी आपको बद्रीनाथ में। तो यह पंचशिलाएं हैं बद्रीनाथ की, इन्हें जरूर याद करना। इस बार आपको गरुड़ शिला पूछा गया था, अगली बार आपको कुछ और शिला पूछ सकता है या फिर पंचधाराएं भी आपको पूछ सकता है, वो हम आपको जल्दी डिस्कस करवाएंगे। राजस्व पुलिस व्यवस्था की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर बताइए जरा क्या होगा इसका सही। तो उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू की हुई, तो जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर आपको सी मिलेगा, 1874 इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो यहां तक दोस्तों ये हो गया है। अब है 1918 ईस्वी में उत्तराखंड में किस स्थान पर होम रूल लीग की एक शाखा की स्थापना की गई। अब यहां पे बताया 1918 में, तो अल्मोड़ा मत चले जाना दोस्तों, अल्मोड़ा में जो स्थापना हुई थी वो 1914 में हुई थी। 1914 में अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, और किसने की थी? विक्टर मोहन जोशी जी ने, बद्रीदत्त पांडे जी ने किया था, हेमचंद्र जी थे और चिरंजीवी लाल जी थे, तो इनके द्वारा की गई थी। लेकिन देहरादून में दोस्तों, देहरादून में इसकी स्थापना 1918 में की गई थी, और किसने की थी? स्वामी विचारानंद जी ने की थी, स्वामी विचारानंद। तो स्वामी विचारानंद जी ने इसकी स्थापना की थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मुचकुंद गुफा की बात करें तो बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। तो बताइए दोस्तों मुचकुंद गुफा कहां पर है? तो यहां दोस्तों ये आपको मिलेगा बद्रीनाथ के समीप, और बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही है। अब देखिए दोस्तों गढ़वाल की यहां पे शिला देखिए, तो गढ़वाल में कौन कौन सी है वो यहां पे देखिए। सबसे पहले उत्तरकाशी की बात करते हैं, तो उत्तरकाशी में दोस्तों आपको मिलेगा प्रकटेश्वर, पांडव, श्रृंगी, पराशर, मातंग और ऋषि। तो देखिए एक चीज देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं यहाँ पे आपको श्रृंगखंड पर्वत मिलता है उत्तरकाशी में, यहाँ पर जो कहाँ पर है? हिमाचल और उत्तरकाशी के जनपद में है। तो श्रृंगी से आप श्रृंग पर्वत और श्रृंग गुफा एक साथ आ सकते हैं। प्रकटेश्वर से आप क्या याद करोगे? देखिए प्रकटेश्वर से दोस्तों आप ऐसा याद करना कि गंगा नदी कहां पर प्रकट होती है, गंगा नदी कहां पर होती है, ये होती है यानी भागीरथी नदी कहां पर प्रकट होती है, गंगोत्री में होती है। प्रकट यानी उत्तरकाशी में, यानी भागीरथी प्रकट होती है, तो प्रकटेश्वर गुफा आपको यहां मिलेगी। और इसी भागीरथी के तट पर आपको मिलेगा यहां पे पांडव गुफा। तो यानी यहां पर ये हो गया श्रृंगी गुफा, आपने श्रृंगी गुफा आपने देख लिया है, और ऋषि जो मातंग ऋषि गुफा है वो भी आपको यहीं पर मिलेगी। अब देखिए यहां पे देहरादून की बात करते हैं, तो देहरादून में आपको क्या मिलेगा? देखिए मेवला, बीसपुरिया
और रॉबर्ट्स गुफा, रॉबर्ट्स केव बोलते हैं ना जिसे, तो रॉबर्ट्स केव तो सभी जानते हैं, मेवला, बीसपुरिया गुफा, ये चक्राता में आपको मिलती है। फिर यहाँ पर टिहरी की बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक है गर्भजोन, वशिष्ठ और विश्वनाथ। वशिष्ठ, विश्वनाथ, गर्भजोन, वशिष्ठ, विश्वनाथ, गर्भजोन, ये तीन गुफाएं टिहरी गढ़वाल में हैं। फिर आ जाइए पौड़ी में, तो झिलमिल गुफा आपको पौड़ी में मिलेगी, और झिलमिल ताल आपको कहाँ पे मिलेगा आप सभी जानते हैं, वो चंपावत में आपको मिलेगा। फिर है रुद्रप्रयाग की, तो रुद्रप्रयाग की बात करें दोस्तों, ध्यान गुफा, कोटेश्वर गुफा और चमोली की बात करें जहाँ सबसे ज़्यादा हैं, और वह आपको मिलेगी यहाँ पे। देखिए दोस्तों, गरुड़ हो गया, गणेश हो गया, व्यास हो गया, स्कंद हो गया, मुचुकंद हो गया, जो यूकेएससी ने आपको पूछा है। टिम्बर सेन आपको मिलेगा, है ना, टिम्बर सेन काफ़ी प्रसिद्ध है, जैसे जो वहाँ पे जो हमारा अमरनाथ गुफा है ना, सेम टू सेम उसके समान है। राम गुफा, हनुमान गुफा, मानेश्वर गुफा, मानेश्वर गुफा काफ़ी लंबी है, इसे जरूर ध्यान रखना, और चमोली में आपको मिलेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट गुफाएं थी। धौली घाटी में स्थित मलारी गाँव में समाधियों का अध्ययन किसने किया था, तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो यह तो दोस्तों सही है, तब तक आप इसका आंसर बताइए कि कब किया था, कब किया था, इसका आंसर दीजिए दोस्तों तब तक, है ना। तो धौली घाटी में मलारी गांव में समाधियों का अध्ययन किया था शिव प्रसाद डबराल जी ने। कब किया था, किसने किया था, शिव प्रसाद डबराल जी ने। और कब किया था, तो 1956 में किया था, है ना दोस्तों, 1956 में किया था। 1987 में और 2001 में, 2001 में जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, गढ़वाल यूनिवर्सिटी, तो गढ़वाल यूनिवर्सिटी द्वारा भी इस यहाँ पे उत्खनन का कार्य किया गया था। स्वर्ण मुकोटा यहाँ पे मिला है जो काफी इंपॉर्टेंट है ना। इसके अलावा हमें मृदभांड भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं और काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अल्मोड़ा जेल की स्थापना किस वर्ष की गई, तो बताइए जरा। तो जी हाँ दोस्तों, अल्मोड़ा जेल की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1816, यह बिल्कुल सही है। और 1821 की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा पौड़ी गढ़वाल का, है ना। फिर है अगला क्वेश्चन कि पिथौरागढ़ जिले की स्थापना कब की गई, और ये लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर दीजिए दोस्तों, तो बताइए जरा। तो देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आयोग ऐसे प्रश्न बार बार पूछता है, इन प्रश्नों को याद करके जरूर चलना, लापरवाही बिल्कुल मत करना और इन्हें हल्के में लेने की कोशिश भी मत करना। तो पिथौरागढ़ जिले की स्थापना कब हुई है, तो जी हाँ दोस्तों, 24 फरवरी 1960 को हुई है। अब यहाँ पे देखिए, ये है हमारा प्यारा उत्तराखंड, और प्यारे उत्तराखंड की बात करें दोस्तों तो 9 नवंबर 2000 को बना था, 27वां राज्य था, है ना। अब देखिए सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, 24 फरवरी 1960, 1960 तीनों की स्थापना ये हुई थी। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें, जैसे हो गया चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर, देखिए रुद्रप्रयाग की बात करें 16 सितंबर को, बागेश्वर 18 सितंबर को, और चंपावत की बात करें तो 15 सितंबर को। तो देखिए 16 सितंबर को बागेश्वर है, रुद्रप्रयाग है, और रुद्रप्रयाग से बागेश्वर जाने में 2 दिन का समय लग रहा है, 1 दिन यहाँ पे लगेगा और 1 दिन फिर यहाँ पे लगेगा, तो प्लस 2 कर देना यहाँ पे, है ना। तो रुद्रप्रयाग से बागेश्वर जाने में 2 दिन का समय लगा, तो 18 सितंबर यानी बागेश्वर की स्थापना हुई थी। और चंपावत की बात करें तो 15 सितंबर 1 दिन कब कर देना, ठीक है। तो यानी यहाँ तक ही हो गया। फिर देखिए आप आइए देहरादून पे 1817 में। अब यहाँ पे दोस्तों बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि देहरादून जनपद की स्थापना कब हुई, एक तिथि आती है 1871 और एक तिथि आती है 1817 में। देखिए देहरादून जनपद का गठन 1817 में हुआ था, लेकिन देहरादून जनपद को एक पृथक स्वतंत्र रूप से जो जिला बनाया गया था वो 1871 में बनाया गया था। तो ऑप्शन के अनुसार ये प्रश्न होगा, ऑप्शन में तो पहले ये दोनों ऑप्शन एक साथ कभी नहीं आएंगे, 1871 1817 एक ही आएगा, और जो भी ऑप्शन में आए उसे ही आप सही मान के चलना। तो यहां पर ये हो गया। फिर देखिए दोस्तों यहां पे पौड़ी गढ़वाल 1840 और अल्मोड़ा नैनीताल की बात करें तो 1891 1891, तो नैनीताल अल्मोड़ा 1891, नैनीताल अल्मोड़ा 1891, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे आप बात करते हैं हरिद्वार की, तो हरिद्वार है 1988, और यहीं पर दोस्तों अगर बात करें उधम सिंह नगर की तो 1995 को। तो देखिए दोस्तों यूकेएससी आपको बार बार प्रश्न पूछता है, ग्राम विकास अधिकारी में भी पूछा था और कनिष्क सहायक एग्जाम में भी पूछा था, तो वेरी फैक्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। इसके अलावा जरा यहाँ पे देखिए टिहरी नगर की स्थापना 28 दिसंबर 1815 को हुई थी, यह प्रश्न भी ग्राम विकास अधिकारी में पूछा था, है ना, कि सुदर्शन साह द्वारा स्थापना कब की गई थी, 28 दिसंबर 1815 को की गई थी। प्रताप नगर की स्थापना 1817, कीर्ति नगर 1894, और नरेंद्र नगर की बात करें तो 1921 में, 1925 में ट्रांसफर हो गई थी राजधानी। फिर काशीपुर की बात करें 1639 में, और काशीनाथ जी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो देखिए दोस्तों आज के इस लेक्चर में हमारी क्लास में इतना ही है, और आपको दोस्तों मिलते हैं हम कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपको नई वीडियो में, और हाँ दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, चैनल को जरूर सपोर्ट करना, और वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर करना। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।